नवापूर तालुक्यातील सर्वप्रथम मराठी यूट्यूब न्यूज चॅनल नवापूर लाईव्ह न्यूज एनएलएन आपल्या हक्काचे व विश्वासाचे व्यासपीठ। की देश को संविधान के माध्यम से चलाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए ये संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देना चाहते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आदिवासी भाई और बहन इस बात को सबसे अच्छा समझेंगे। आज हमने यहां बिरसा मुंडा जी, भैया थोड़ा सामने से हटिए, थोड़ा सामने से हटिए, ये आज हमने मत्था टेका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या बिरसा मुंडा जी की सोच इसमें नहीं है? बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए,
उनके शब्द हैं। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए, आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार। अपना बिजनेस ना चालू करें। वनवासी का मतलब आपके बच्चे पायलट ना बने। आदिवासी का मतलब आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने, आपके बच्चे बिजनेस चलाएं, सरकार चलाएं। यह है फर्क आदिवासी वनवासी। अब दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, और इस बात को आप दिल में रखिए, हिंदुस्तान में आदिवासियों की 8% आबादी है। अगर आप 100 लोग चुनो तो 800 में से आदिवासी, सही बात। तो मैंने पता लगाया आबादी 8% है, तो मैंने पता लगाया ठीक है भैया, अगर 8% आबादी है तो भागीदारी कितनी होनी चाहिए। अगर 8% आबादी तो कितनी भागीदारी, 8% होनी चाहिए, सही है गलत, सही है ना, बराबर है ना। अगर 100 में से